हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट अल्फा टर्पिनियोल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अल्फा टर्पिनियोल इज मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H18O एंड अल्फा टर्पिनियोल्स अकर्स इन काजूपुट ऑयल, पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल एंड पेटिट ग्रेन ऑयल एक्सेट्रा एंड ऑल्सो आइसोलेटेड बाय देम। ओके, सो बेसिकली अल्फा टर्पिनियोल्स जो है ये टर्पिनॉइड्स क्लासेस के अंतर्गत आने वाला एक इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट है। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको मेनली चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टर्पिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट्स। ओके, सो अल्फा टर्पिनॉल जो है ये टर्पिनॉइड्स क्लासेस के अंतर्गत आता है, इसलिए ये जो है मोनो टर्पिनॉइड्स है एंड स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए अल्फा टर्पिनॉल इज मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है C10H18O है। एंड अल्फा टर्पिनॉल जो है ये काजूपुट ऑयल, पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल, पेटिट ग्रेन ऑयल से प्राप्त होता है एंड इन्हीं ऑयल से हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग स्मेल्स ऑफ लिलेक एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 220 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट हैज फोर आइसोमर्स, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आइसोमर्स। ओके, चार आइसोमर्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा में इसको जो है डिवाइड किया गया है एंड इट्स नेचुरली अकर्स इन डेक्स्ट्रो, लेवो एंड इन रेसेमिक फॉर्म। ओके, सो ये जो है बेसिकली नेचुरली हमको प्राप्त होता है डेक्स्ट्रो, लेवो एंड रेसेमिक फॉर्म में एंड ये है इसका स्ट्रक्चर, अल्फा टर्पिनॉल्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का, जो है स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए जिससे आप उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन अच्छे से कर सकेंगे, सिंथेसिस कर सकेंगे। सो ये है अल्फा टर्पिनॉल्स का स्ट्रक्चर जिसमें अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करेंगे। सो बेसिकली स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में क्या करना होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, इसके कार्बन स्केलेटन क्या है, ये सभी पॉइंट्स जो है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में किया जाता है। सो एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्फा टर्पिनॉल इज C10H18O। बेसिकली क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मॉलिक्यूलर डिटरमाइंड मेथड्स का यूज करके, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशंस जो मेथड्स होते हैं उनका यूज करके जो है अल्फा टर्पिनॉल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये C10H18O है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। बेसिकली इस यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन जो पॉइंट है, यहाँ पे हम इसके प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। सो उसके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो द अल्फा टर्पिनॉल मॉलिक्यूल्स एड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमाइन एंड फॉर्म डाई ब्रोमो डेरिवेटिव्स। ओके, सो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें आपको सिंपली दिख रहा है कि इसमें जो है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए बेसिकली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हमको लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराना होगा। बेसिकली यहाँ पे जब अल्फा टर्पिनॉल का एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमको डाई ब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होता है एंड इससे हमारा प्रूफ होता है कि हमारे स्ट्रक्चर में एक जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर एलुसिडेशन जो है आपको पूरा स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करने के बाद आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, लेकिन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर सबसे पहले याद होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में आपको सिंपली दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस अकॉर्डिंग आप जो है ये रिएक्शन बना सकते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इसका जो है रिएक्शन कराएंगे जिससे आपको ये डाई ब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होगा एंड अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दो ब्रोमीन के साथ जिससे एंड तीन ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं। अगर तीन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है तो डाई ट्राई टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव हमको प्राप्त होंगे रिएक्शन के बाद। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सिट्रल के बारे में, सिट्रल में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो इसीलिए हम वहां पे दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ उसका एडिशन रिएक्शन कराए थे। तो इस प्रकार से आप जो है स्ट्रक्चर देख के कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये पता करके आप ये रिएक्शन बना सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मेनली आपको थ्योरी लिखना है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मेनली याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये रिएक्शन बना सकते हैं। थर्ड है हमारा नेचुरल नेचर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। सो ये सेकंड पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि एक ब्रोमीन, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हम एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्फा टर्पिनॉल का, तो हमको ये प्राप्त होगा एंड इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि जो स्ट्रक्चर है अल्फा टर्पिनॉल का उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। एंड थर्ड है नेचर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। सो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक OH ग्रुप है, जैसे कि हमको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि इसमें एल्कोहलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हमको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखना होगा। सो
अल्फा टर्पिनोल फॉर्म मोनोएसिटिल डेरिवेटिव्स व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड। ओके, सो ये अल्फा टर्पिनोल को जब हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिटिलेशन होगा, तो मोनोएसिटिलिन डेरिवेटिव्स हमको प्राप्त होगा। एंड ये रिएक्शन प्रूव करता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, सो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंस। सो बेसिकली इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो स्थिति है उसमें किस प्रकार के जो साइकिल्स पाए जाते हैं, जैसे मोनोसाइक्लिक है हमको स्ट्रक्चर से दिख रहा है, तो उसके लिए हमको ये लिखना पड़ेगा थ्योरी पोर्शन। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्फा टर्पिनोल का पता है हमको C10H18O, लेकिन यहाँ पे हमको हमने प्रूव किया कि एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो एक एच एट है यहाँ पे एक एच है, ये इसका फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा, ओ एच ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, तो C10H17OH हो जाएगा। एंड अल्फा टर्पिनोल कंटेन वन डबल बॉन्ड, सो इसीलिए हम दो हाइड्रोजन आइटम भी ऐड करेंगे। एंड द अल्फा टर्पिनोल कंटेन अल्कोहलिक ओ एच ग्रुप, सो इसलिए हम ओ एच ग्रुप रिप्लेस करेंगे, तो ये जो ओ एच ग्रुप है ये रिप्लेस होगा एक हाइड्रोजन आइटम के द्वारा। तो इसलिए द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड एल्केन इज C10H17, जिसमें हम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए दो हाइड्रोजन आइटम और ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है OH ग्रुप जो है रिप्लेस करेगा, एक H आइटम के द्वारा रिप्लेस होगा। एंड देन C10H20 हमारा ये जो है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि ये जो है ये जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में जो है फिट बैठ रहा है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड्स या मोनोसाइक्लिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। सो इस फॉर्मूला में ये जो है इस फॉर्मूला का यूज करके हमारा बेसिकली ये बन रहा है, क्योंकि अगर हम इसके प्लेस में रखेंगे एन की जगह में अगर हम 10 रखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ मोनोसाइक्लिक टर्पिनोल्स इज CnH2n, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं मोनोसाइक्लिक टर्पिनोल्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया है, इसलिए ये जो अल्फा टर्पिनोल्स होगा ये मोनोसाइक्लिक नेचर में होगा, जितने भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। एंड हमारा जो ये टर्पिनोल्स है ये भी इसी फॉर्मूला में फिट होता है, इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है अल्फा टर्पिनोल का ये भी मोनोसाइक्लिक होगा नेचर में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है डिहाइड्रोजिनेशंस एंड डिहाइड्रेशंस रिएक्शंस। सो यहाँ पे बेसिकली कार्बन स्केलेटन के बारे में हमको पता चलता है अपने स्ट्रक्चर का। सो यहाँ पे कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनोल्स के बारे में हमको पता करना है। सो उसके लिए अल्फा टर्पिनोल्स ऑन हिटिंग विद H2SO4 डिहाइड्रेशंस टेक्स प्लेस एंड फॉर्म पैरासाइमिन। सो बेसिकली ये जो अल्फा टर्पिनोल है H2SO4 की उपस्थिति में हीट देंगे, सो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगा, क्रिया होगी, एंड हमको ये जो पैरासाइमिन प्राप्त होगा एंड साथ ही वाटर मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो ये पैरासाइमिन है, सो अल्फा टर्पिनोल हैज ऑफ पैरासाइमिन लाइक कार्बन स्केलेटर। सो पैरासाइमिन का जो है ये जो है पैरासाइमिन जो है ये बेसिकली पैरा मेंथेन की तरह जो है मेंथेन की तरह स्ट्रक्चर प्राप्त स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए जो अल्फा टर्पिनोल होगा ये भी हमारा जो है पैरासाइमिन की तरह ही कार्बन स्केलेटर देगा। तो ये जो है पैरासाइमिन का कार्बन स्केलेटन है, तो उसी कारण जो है हमारा ये कार्बन स्केलेटन जो है पैरा अल्फा टर्पिनोल्स का भी इस प्रकार से कार्बन स्केलेटन होगा। सो देर आर टू आइसोप्रीन यूनिट जॉइन बाय हेड एंड टेल मैनर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो ये कार्बन स्केलेटन है अल्फा टर्पिनोल का। सो ये रिएक्शन लिख के आप जो है ये प्रूव कर सकते हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा, डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है तो हमको ये कार्बन स्केलेटन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पांच पॉइंट में आप जो है इसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मेनली जो है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन पूछा जाता है। सो आप हर एक पॉइंट जो है आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। नाउ द सिंथेसिस पार्ट ऑफ अल्फा टर्पिनोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि सिंथेसिस जो है बेसिकली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका टर्पिनोल्स आता है तो सिंथेसिस डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसका सिंपल से सिंथेसिस है बेसिकली, कई मेथड्स होते हैं सिंथेसिस के लिए। सो यहाँ पे दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है एल्डर एंड वॉक सिंथेसिस, जो कि 1949 में दिया गया था। इसमें क्या होता है, जो आइसोप्रीन एंड मिथाइल विनाइल कीटोन दोनों का रिएक्शन होगा, डाइस एल्डर रिएक्शन होगा, हीट होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन की उपस्थिति में जो ये कंपाउंड हमारा बनेगा। एंड जब इस कंपाउंड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा टर्पिनोल प्राप्त हो जाएगा।
तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है आइसोप्रीन एंड मिथाइल विनाइल क्लोराइड का हाइड्रोक्विनोन की उपस्थिति में डिस एल्डर रिएक्शन होगा एंड देन हमको अल्फा टर्पिनोल प्राप्त होगा। एंड सेकंड मेथड है कमर्शियल सिंथेसिस फ्रॉम डाइपेंटेन। ओके, कमर्शियल सिंथेसिस फ्रॉम डाइपेंटेन, इसके लिए जो डाइपेंटेन है इसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त होगा। एंड उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद हमको अल्फा टर्पिनोल हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से सिंथेसिस है, आपको याद सिंपली याद हो जाएंगे एंड आप इसको याद कर सकते हैं। सो ये था सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल्स एंड स्ट्रक्चर एलिसोरेशंस। अब हम इसका जो है एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। सो एप्लीकेशंस जो है दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ लिलिक परफ्यूम्स एंड सोप एंड यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर इथाइल सेल्यूलोज एंड एज अ प्लास्टिसाइजर फॉर इपॉक्सी रेजिन। ओके, सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको याद रखने हैं। सो यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ लिलिक परफ्यूम्स एंड सोप, परफ्यूम्स एंड सोप बनाने के लिए मैक्सिमम जो टर्पिनॉइड्स हमारे हैं, जितने भी टर्पिनॉइड्स कैटेगरी के अंतर्गत नेचुरल प्रोडक्ट हैं, सभी जो है परफ्यूम्स बनाने में मेनली यूज किए जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर परफ्यूम्स के लिए, सोप्स के लिए, एंड यूज फॉर सॉल्वेंट फॉर द इथाइल सेल्यूलोज एंड एज अ प्लास्टिसाइजर फॉर इपॉक्सी रेजिन। ओके, सो ये था सिंथेसिस पार्ट एंड एप्लीकेशन पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल हुए होंगे। एंड अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेचुरल प्रोडक्ट वाला पार्ट है, इसका मैंने एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाया है, सो वहां पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके एक बार जरूर चेक कीजिए। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का एंड आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।